प्रेजेंटेशन को मैं स्टार्ट कर रहा हूं, फटाफट से आ जाइए और कंसंट्रेट हो जाएगा, अपने नोटबुक उठा लीजिएगा क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपोर्टेंट की पॉइंट मैं आपको बताता हूं, वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 हमने लास्टली डिस्कस किया था और कहा था इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। इस क्वेश्चन को समझते हैं, देखिएगा, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रमोशन आर द मेजर्स फॉर, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन और हेल्थ प्रमोशन किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है। इसके रिगार्डेड ऑप्शन आपके पास इस तरीके से थे, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, बी ऑप्शन था सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सी ऑप्शन था टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन और डी ऑप्शन था स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। इसका आंसर आपको देना था और उम्मीद है आपको आंसर पता होगा, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा, 2 सेकंड आपके पास मिलेंगे, 2 सेकंड के बाद इसका सही आंसर मैं आपको बता दूंगा, फिर सेशन को मैं स्टार्ट कर दूंगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, और मैंने आपसे कहा है लास्टली कुछ सेशन के अंदर या सेशन यानी बीपीसी सेशन के रिगार्डेड जब से क्लासेस मैंने स्टार्ट की है तब से आपसे कह रहा हूं लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऐसा टॉपिक है जिससे 100% 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, तीनों में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसीलिए कंप्लीटली सेशन को और कंप्लीटली इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, सेशन मैंने ऑलरेडी अवेलेबल करवा रखे हैं, इनसे रिगार्डेड 100% और कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे कोई सा भी नर्सिंग हिस्ट्री का कोई सा भी एग्जाम हो, इससे रिगार्डेड क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। चलेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। देखिएगा, मैंने बताया था प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर इंक्लूड किया जाता है हेल्थ प्रमोशन, इंक्लूड किया जाता है हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। याद रखिएगा, हेल्थ प्रमोशन बाय हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ प्रमोशन किससे करवाया जाता है? जी सर, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करके हम हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। अब वो हेल्थ एजुकेशन कैसी हो सकती है? आपके हेल्थ से रिगार्डेड हो सकती है, आपके न्यूट्रिशन से रिगार्डेड हो सकती है, प्रोटेक्शन से रिगार्डेड हो सकती है। उसके अलावा अगर अपन बात करें स्पेसिफिक प्रोटेक्शन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की बात करें तो यह जरूरी आपको याद रखना है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दैट इज इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन आपसे रिगार्डेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इम्यूनाइजेशन किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। आपका आंसर जाएगा सर प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर जाता है। क्यों जाता है सर? सर इसलिए जाता है क्योंकि यहां पर इम्यूनाइजेशन एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होता है, इसीलिए इम्यूनाइजेशन को प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर शामिल किया जाता है। इसी के अलावा जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जो कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए लिए जाते हैं, जो एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है उनको प्रिवेंट करने के लिए लिए जाते हैं, ये सारे क्या है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आते हैं? सर प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आते हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगर सेकेंडरी लेवल की अपन बात करें तो सेकेंडरी लेवल के अंदर भी 2 एस्पेक्ट आते हैं। पहला आता है अर्ली डायग्नोसिस, दूसरा आता है अर्ली ट्रीटमेंट, यानी जल्दी जल्दी से जैसे ही आपको केस फाइंड आउट हुआ है आपको डायग्नोस कर देना है, उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है, ये सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। और जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं लाइक पेप स्मियर, आपने नाम सुना होगा सर्वाइकल कैंसर के लिए करवाया जाता है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट, चाहे एक्सरा हो, MRI हो, कितना भी स्क्रीनिंग टेस्ट हो, किसके अंदर आता है? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। अगर टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन की अगर बात करें अपन, टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन की अगर बात करें तो यहां पर डिजीज कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। डिजीज क्या हो जाती है? कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो यहां पर डिसेबिलिटी लिमिटेशन करवाया जाता है, रिहैबिलिटेशन करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? रिहैबिलिटेशन करवाया जाता है, याद रहे। तो रिहैबिलिटेशन किसके अंदर आता है? सर टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है, याद रहे, भूलना नहीं है, टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन खुद प्राइमरी लेवल के अंदर आता है। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अगर देखेगा क्वेश्चन का आंसर देना बहुत अच्छी बड़ी बात है और बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन चाहे कोई सा भी हो लेकिन उसके क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन का आंसर समझना, क्वेश्चन का ऑप्शन समझना और उसका आंसर देना बहुत बड़ी बात होती है, और जिसमें हिम्मत होती है वही जवाब देता है। मेरा मानना यह है अगर क्वेश्चन आपको आता है, चाहे क्वेश्चन इजी है चाहे क्वेश्चन हार्ड है,
अगर इजी है तो आप क्वेश्चन का आंसर तुरंत निकाल पाते हैं, अगर हार्ड है तो क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आंसर भी वही देता है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है। भले ही आपको क्वेश्चन का आंसर याद है, भले ही आपको क्वेश्चन का आंसर याद है, लेकिन अगर आप आंसर नहीं दे पाते हैं, अगर आप आंसर नहीं देते हैं, इट मींस यही सोचा जाता है कि आपको आंसर पता नहीं है। और अगर आपको आंसर पता नहीं है फिर भी आप सर्च करके निकालकर कहीं से भी निकालकर अगर आंसर देते हैं, इट मींस आपको खुद पर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं आंसर दूंगा, चाहे कहीं से भी दूं मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस है। तो सभी कैंडिडेट जो भी अभी क्लास में जुड़े हुए हैं, हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लग रही हो, बुरी लग रही हो तो उसके लिए सॉरी माफी चाहूंगा, लेकिन आपको खुद को सेल्फ को कॉन्फिडेंस लाना होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना होगा, तभी आप किसी भी टारगेट को इजीली अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज आपको काफी सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। चलेगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूंगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है और मेरी बात समझ में आई है तो बहुत ही अच्छा, और जिसको नहीं आया है उसके लिए भी अच्छा है ताकि उसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। चलेगा, आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बिना टाइम वेस्ट किए, और आज के सेशन का अपना पहला क्वेश्चन है, 31st क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेजर सेक्टर आर रिप्रेजेंटेड इन हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। काफी इजी और काफी सिंपल, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहां से आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट हो जाती है, फर्स्ट ब्लॉक की सेकंड यूनिट स्टार्ट हो जाती है, हेल्थ केयर सिस्टम से रिगार्डेड है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हाउ मेनी मेजर सेक्टर आर रिप्रेजेंटेड इन हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। इंडिया के अंदर मेजर सेक्टर कौन कौन से हेल्थ केयर सिस्टम की अगर अपन बात करें, बेसिकली इंडिया के अंदर जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके अंदर मेजर सेक्टर कितने माने गए हैं, कितने मेजर सेक्टर माने गए। काफी अच्छा, काफी इजी, काफी सिंपल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। ऑप्शन रिपीट करता हूं, कितने मेजर सेक्टर है आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा, ए ऑप्शन है 3 मेजर सेक्टर, 3। सेकेंड ऑप्शन देखेगा 4 मेजर सेक्टर, सी ऑप्शन देखेगा 5 मेजर सेक्टर, डी ऑप्शन देखेगा 6 मेजर सेक्टर। चलेगा, कितने सेक्टर होते हैं इंडिया के अंदर, कितने मेजर सेक्टर माने गए हैं हेल्थ केयर सिस्टम से रिगार्डेड। आंसर आपको देना है केवल और केवल 5 सेकेंड आपके पास है, उसके बाद इसका सही आंसर मैं बता दूंगा, और सभी सेक्टर्स के नाम भी मैं यहां पर बता दूंगा और की पॉइंट्स में आपको बता दूंगा। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है आपका, बिल्कुल राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है। 5 मेजर सेक्टर माने जाते हैं इंडिया के अंदर हेल्थ केयर सिस्टम की, इंडिया के अंदर हेल्थ केयर सिस्टम के 5 मेजर सेक्टर है। कितने मेजर सेक्टर है? 5 मेजर सेक्टर है, याद है, मेंशन करता हूं कौन कौन से हैं, आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन कौन सा मेजर सेक्टर है। चलेगा, पहला मेजर सेक्टर है दैट इज पब्लिक सेक्टर, पहला मेजर सेक्टर है दैट इज पब्लिक सेक्टर, याद रहे। दूसरा मेजर सेक्टर है दैट इज प्राइवेट सेक्टर, दैट इज प्राइवेट सेक्टर। तीसरा मेजर सेक्टर है, थर्ड मेजर सेक्टर है दैट इज इंडिजियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इंडिजियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, याद रहे, इंपॉर्टेंट है। फोर्थ मेजर सेक्टर है दैट इज वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी, फोर्थ है वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी, वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी। और फिफ्थ मेजर सेक्टर है दैट इज नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, दैट इज नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, याद रहे। तो बेसिकली इंडिया के अंदर अगर हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें अपन, अगर हेल्थ केयर सिस्टम की अगर बात करें अपन, तो बेसिकली 5 मेजर सेक्टर्स होते हैं इंडिया के अंदर हेल्थ केयर सिस्टम के। पहला हेल्थ केयर सिस्टम दैट इज पब्लिक सेक्टर होता है, सेकेंड हेल्थ केयर सेक्टर दैट इज प्राइवेट सेक्टर, थर्ड इंडिजियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, फोर्थ अगर बात करें तो वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी, और फिफ्थ अगर बात करें तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो ये 5 मेजर सेक्टर्स होते हैं इंडिया के अंदर हेल्थ केयर सिस्टम से रिगार्डेड। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा,
और आपको याद रखना पड़ेगा, आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि एज आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है तो ये सारी जानकारी आपको याद होनी चाहिए, चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, कहीं पर भी आपको ये काम आ सकती है। तो पांच सेक्टर कौन कौन से याद होने चाहिए, मुंह पर होने चाहिए, पांच मेजर सेक्टर कौन से, सर प्राइवेट सेक्टर है, सर प्राइवेट सेक्टर के बाद पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर के बाद इंडिजियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उसके अलावा वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी है, उसके अलावा लास्ट अगर अपन बात करें दैट इज नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है। तो ये पांच मेजर सेक्टर्स माने जाते हैं इंडिया के अंदर, याद रहेगा उम्मीद करता हूं। और मैं आगे बढ़ता हूं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन अगर अभी तक सेशन को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी को बेनिफिट हो, सभी इन सेशन का बेनिफिट ले सके। और अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, मिशन एजुकेशन ऐप पर आपको अवेलेबल होगी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इजी, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है और काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, 32 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया आर देयर इन अ डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर या हेल्थ सर्विसेज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। देखिएगा बात की जा रही है स्पेशली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, क्वेश्चन ये किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कितने एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है हेल्थ केयर सर्विसेज के रिगार्डेड, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर अपन बात करें तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम से रिगार्डेड कितने एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया हैं। क्वेश्चन काफी जबरदस्त आपसे पूछा है, आंसर आपको देना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, आपसे पूछा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज आपसे पूछा है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के या डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज के, बताइए कितने एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है। पहला ऑप्शन है आपके पास 4, बी ऑप्शन है आपके पास 5, सी ऑप्शन है आपके पास 6 और डी ऑप्शन है आपके पास 7। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, कितने एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया हैं और वो कौन कौन से हैं, जल्दी से आपको आंसर देना है, देन आफ्टर इसका सही आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा। जल्दी से आपको आंसर देना है, देन आफ्टर इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, जल्दी करना है, 5 सेकंड आपके पास है, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा, जल्दी कीजिएगा। चलेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल अगर अपन राइट आंसर बोले, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर अगर अपन बोले तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, कितना 6 ऑप्शन नंबर सी, कितने एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, 6 एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर बात करें तो डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज के रिगार्डेड कितने एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, आपका आंसर जाएगा सर 6 है। अब 6 कौन कौन से हैं वो मैं आपको एनालिसिस करवाता हूं और वो आपको याद रखना है, 6 एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, पहला एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है आप सबको याद रखना है, भूलना नहीं है, पहला एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है दैट इज सब डिवीजन, क्या है सब डिवीजन याद रहे, सब डिवीजन पहला एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया कंप्लीट। सेकेंड अगर बात करें अपन तो दैट इज तहसील, सेकेंड होता है तहसील, याद रहे तहसील, और इसी को अपन तालुकाज भी बोलते हैं, क्या तालुकाज। उसके अलावा अपन थर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया की बात करें दैट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, क्या है कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, क्या है कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, याद रहे कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक। उसके बाद अगर फोर्थ एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया की बात करें तो वो होता है म्युनिसिपैलिटी एंड कॉरपोरेशन, क्या होता है म्युनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन याद रहे। उसके अलावा फोर्थ की अगर अपन बात करें तो वो होता है विलेज, और 6 की अगर अपन बात करें तो वो होता है पंचायत, 6 की अगर अपन बात करें तो होता है पंचायत। तो ये 6 एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर बात करें अपन फ्लो के अकॉर्डिंग है तो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया होता है दैट इज सब डिवीजन, क्या होता है सब डिवीजन। सब डिवीजन के बाद होता है आपका तहसील यानी तालुकाज। उसके बाद अगर बात करें तो थर्ड नंबर होता है दैट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, क्या होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक। और फोर्थ नंबर की अगर बात करें तो म्युनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन होता है, और फिफ्थ नंबर की बात करें तो विलेज लेवल होता है, और 6 नंबर की बात करें तो पंचायत होता है। तो देख लीजिएगा ये 6 एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है हेल्थ डिलीवरी सिस्टम के,
कहां पर? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। कितना? 6। याद रहे, भूलना नहीं है। अगर नोट नहीं किया तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि कभी आपको भूला नहीं जाए, कभी इनको भूला नहीं जाए, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है या फिर कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया नहीं है। ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगाने, ऑप्शन इन्हीं में से आपको मिलेंगे, एक आध ऑप्शन अलग मिलेंगे या फिर इनमें से एक ऑप्शन मिलेगा, तीन ऑप्शन अलग मिलेंगे। तो याद रहे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 नंबर क्वेश्चन, और काफी जबरदस्त, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको आना चाहिए, जो कि आपको समझ में भी आना चाहिए, जो कि आपको याद भी होना चाहिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलेगा क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर क्वेश्चन काफी जबरदस्त है, देखेगा। क्वेश्चन ये है, द ऑफिशियली ऑर्गन ऑफ हेल्थ सिस्टम एट द नेशनल लेवल कंसिस्ट ऑफ। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये है कि जो नेशनल लेवल पर जो हेल्थ सिस्टम होता है उसके अंदर कौन सा ऑफिशियली ऑर्गन है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन ये है कि जो नेशनल लेवल पर हेल्थ सिस्टम होता है, किस लेवल पर? लेवल ध्यान रखे, क्वेश्चन आ गया आपके पास और क्वेश्चन में आपको लेवल ढूंढना है। अगर लेवल आपको समझ में आ गया किस लेवल पर पूछा है, तो आपको आंसर देने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, यहां पर क्वेश्चन समझ में आ गया, नेशनल लेवल पर ऑफिशियली ऑर्गन कौन सा है हेल्थ सिस्टम के रिगार्डेड, क्वेश्चन ये है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगाते हैं कि कौन सा नेशनल लेवल पर ऑफिशियली ऑर्गन माना जाता है। पहला ऑप्शन है द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सेकेंड ऑप्शन है, यानी बी ऑप्शन है, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। सी ऑप्शन है, द सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और फोर्थ ऑप्शन है, ऑल ऑफ दी अबव। चलिएगा, आंसर आपको देना है, 5 सेकंड में आपको देता हूं, कौन सा ऑर्गन या कौन सा ऑप्शन यहां पर नेशनल लेवल पर हेल्थ केयर सिस्टम का ऑफिशियली ऑर्गन माना जाता है। जल्दी से आंसर पुट कीजिएगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि नेशनल लेवल की अगर अपन बात करें हेल्थ केयर सिस्टम से रिगार्डेड जो ऑफिशियली ऑर्गन की, तो देखेगा पहला ऑप्शन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये ऑफिशियली ऑर्गन में आता है, ऑफिशियली ऑर्गन है। दूसरा ऑप्शन देखेगा, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, बिल्कुल ये भी ऑफिशियली ऑर्गन है। थर्ड ऑप्शन देखेगा, सी ऑप्शन देखेगा, द सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बिल्कुल ये भी आपका नेशनल लेवल पर जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसका ऑफिशियली ऑर्गन के अंदर आता है। तो तीनों ऑप्शन आते हैं बिल्कुल, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होता है, ऑल लेवल बिल्कुल सही आंसर है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है, वन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कैडर सर्विस फॉर एवरी। देखिएगा, यहां पर कुल मिला के क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होता है, यानी सीएससी होती है, अब जो सीएससी होती है वहां की पॉपुलेशन जनरली आपसे पूछी गई है। क्या पूछी गई है? पॉपुलेशन पूछी गई है कि पॉपुलेशन वहां की कितनी होती है जनरली। आपको याद होना चाहिए, पॉपुलेशन के रिगार्डेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पॉपुलेशन के रिगार्डेड अगर अपन बात करें तो कितनी पॉपुलेशन होती है जनरली, वो आपको समझ में आना चाहिए। ऑप्शन में रिपीट करता हूं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। चलेगा, पहला ऑप्शन यहां पर है, ए ऑप्शन यहां पर है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ जाना चाहिए। देखेगा, 80,000 to 1,20,000, 80,000 से लेकर 1,20,000 पॉपुलेशन। सेकंड ऑप्शन है, 40,000 to 1,20,000 पॉपुलेशन, 40,000 से लेकर 1,20,000 पॉपुलेशन। थर्ड ऑप्शन है, 70,000 to 1,20,000 पॉपुलेशन, 70,000 से लेकर 1,20,000 पॉपुलेशन।
उसके अलावा फोर्थ ऑप्शन है, डी ऑप्शन है 60,000 to 1,20,000, 60,000 से लेकर 1,20,000 पॉपुलेशन चलेगा अब आंसर आपको देना है। क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा। कुल मिलाकर क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि सीएससी जो होती है उसको कहां पर स्टैब्लिश किया जाता है, कितनी पॉपुलेशन को वो सर्विस प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आपको देना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बिल्कुल 5 सेकंड में आपको देता हूं, उसके बाद करेक्ट आंसर आपको बता दूंगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। 80,000 to 1,20,000 पॉपुलेशन जो सीएससी होती है यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है कहां पर स्टैब्लिश किया जाता है, जहां की पॉपुलेशन 80,000 से लेकर 1,20,000 पॉपुलेशन हो। 80,000 पॉपुलेशन कहां की होगी सर, प्लेन एरिया की होगी, सॉरी यहां पर 80,000 पॉपुलेशन हिली एरिया की होगी। किस एरिया की होगी, हिली एरिया की होगी, और प्लेन एरिया की पॉपुलेशन होगी, प्लेन एरिया की पॉपुलेशन होगी आपकी 1,20,000। तो सीएससी के रिगार्डेड अगर पॉपुलेशन आपसे पूछे तो याद रहे क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है, और आप एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं तो आपको ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना है, चाहे कोई नींद में भी आपसे उठाकर पूछ ले। चलिए बताइए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं आप तो बताइए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की पॉपुलेशन कितनी होती है, कितने पॉपुलेशन पर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एस्टैब्लिश किया जाता है। आपका आंसर होगा नींद में बड़बड़ाते हुए सर 80,000 होगी, और 80,000 से लेकर 1,20,000 पॉपुलेशन तक हम एक सीएससी को स्टैब्लिश कर सके थे। उम्मीद है ऐसा ही जवाब आपका होगा। तो इसी के साथ में क्वेश्चन को बढ़ता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा सेशन को लाइक और शेयर करते रहना है ताकि सभी तक सेशन पहुंच जाए, क्योंकि मेरा टारगेट है वो भी पूरा होना चाहिए। मेरा टारगेट यही है कि सेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, यानी सभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर तक पहुंचे, ताकि सभी को ये सारे क्वेश्चन मिले और सभी बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो। और मैं गारंटी के साथ दावे के साथ कह सकता हूं, अगर सभी सेशन आप कंटिन्यूअसली ले रहे हैं आपके एग्जाम तक, तो 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होंगे, गारंटी देता हूं मैं आपको। चलेगा, इसी के साथ सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक, अपने ग्रुप्स के अंदर, ताकि सभी को बेनिफिट हो सके। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर 35 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखेगा द पॉपुलेशन कवर्ड बाय द सब सेंटर। देखेगा क्वेश्चन वैसा ही पूछा है, सब सेंटर आपने सुना होगा जिसको अभी कवर चेंज करके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर किया जा रहा है, जहां पर आप लोग पोस्टेड होंगे, जहां पर एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप एज एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट के तौर पर आप रहेंगे, तो आपके सेंटर की पॉपुलेशन तो एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए। चलिएगा, बताइए क्या पॉपुलेशन होती है। अगर ये भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो फिर आप गलती से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन गए। तो गलती से नहीं, हमें याद नहीं है तो अब याद रहेगा सर, लेकिन हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर रियल में बने, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देकर आए सर। चलेगा, ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है यहां पर 3,000 to 5,000, 3,000 से लेकर 5,000 पॉपुलेशन। बी ऑप्शन है 10,000 to 20,000, 10,000 से लेकर 20,000 पॉपुलेशन। सी ऑप्शन है 80,000 to 1,20,000 पॉपुलेशन, 80,000 से लेकर 1,20,000 पॉपुलेशन। डी ऑप्शन है 20,000 to 30,000 पॉपुलेशन, 20,000 से लेकर 30,000 पॉपुलेशन। चलेगा, आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन में से, करेक्ट आंसर आपको देना है, देन आफ्टर करेक्ट आंसर आपको पता चलेगा, उसके बाद आपको याद रखना है, चाहे नींद में उठाए चाहे कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे, लेकिन आपको पास आपको जवाब आना चाहिए। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है आपके पास, बिल्कुल राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का, द पॉपुलेशन कवर्ड बाय द सब सेंटर, दैट इज फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ की पॉपुलेशन होती है सर 3,000 to 5,000 पॉपुलेशन, एक सब सेंटर कवर्ड करता है पॉपुलेशन को, 3,000 to 5,000 पॉपुलेशन को ये कवर्ड करता है। और ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, हो सकता है आपके एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा सके, तो याद रहे। अब यहां से अगर अपन बात करें डायरेक्टली, देखिएगा यहां पर मैंने
पूरा पॉपुलेशन आपको बताया है। बाकी यहां से क्वेश्चन आपको हिली एरिया प्लेन एरिया करके भी पूछा जा सकता है। तो हिली एरिया और प्लेन एरिया, प्लेन एरिया की पॉपुलेशन मतलब जो ज्यादा है बड़ी पॉपुलेशन है वो प्लेन एरिया की होगी, और जो कम है वो हिली एरिया की होगी। तो याद रहे, हिली एरिया की अगर पूछे तो 3000 पॉपुलेशन होगी, प्लेन एरिया की अगर पूछे तो 5000 पॉपुलेशन होगी। किसकी बात कर रही है? सब सेंटर की। तो सब सेंटर की पॉपुलेशन कितनी? सर सब सेंटर की पॉपुलेशन 3000 से लेकर 5000 पॉपुलेशन होगी। अगर सीएससी की बात करें, अगर सीएससी की बात करें तो सर आपने अभी बताया 80000 से लेकर 1,20,000 पॉपुलेशन इसकी होगी। चलेगा, उम्मीद करता हूं यहां तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन अगर आपने अभी तक मिशन एजुकेशन ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। उसका अनाउंसमेंट है लास्ट क्वेश्चन के अंदर, लास्ट टेस्ट सीरीज के अंदर, सॉरी लास्ट सेशन के अंदर भी किया था। तो एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा, आपके एग्जाम की रिगार्डेड यानी BPCCHN नेशनल हेल्थ मिशन एजुकेशन के अंदर, चाहे किसी भी स्टेट में आप सीएचओ कैंडिडेट हो, किसी भी स्टेट से आप सीएचओ ट्रेनिंग कर रहे हो, यानी BPCCHN की रिगार्डेड अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीएचओ ब्रिज कोर्स के रिगार्डेड आप तैयारी कर रहे हैं, तो सभी राज्य के सीएचओ अधिकारियों के लिए स्पेशली टेस्ट सीरीज अनाउंस कर दी गई है जीवन एजुकेशन के साथ मिशन एजुकेशन ने। यहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको ब्लॉक वाइज टेस्ट देखने को मिलेंगे, ब्लॉक वाइज टेस्ट के साथ साथ आपको यूनिट वाइज टेस्ट देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ आपको फुल पेपर टेस्ट देखने को मिलेगा, उसी के साथ आपको एग्जाम बेस्ड पेपर देखने को मिलेगा। और ये जो टेस्ट सीरीज आपके पास अवेलेबल रहेगी, वैलिड रहेगी, वो 15 फरवरी तक रहेगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है स्पेशली राजस्थान सीएचओ की मैं बात कर रहा हूं, स्पेशली राजस्थान सीएचओ के अंदर जो कैंडिडेट है जिनका एग्जाम 15 फरवरी के समथिंग होगा, और 15 फरवरी के बाद कभी भी हो सकता है इनका एग्जाम। और जहां तक एक्सपेक्टेड माना जा रहा है 15 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में कभी भी इनका एग्जाम हेल्ड हो सकता है राजस्थान सीएचओ का। इसीलिए जो भी कैंडिडेट अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके रिगार्डेड काफी कम प्राइस आपके सामने रखी गई है, जो कि कितनी है, केवल और केवल 499 प्राइज इसकी रखी गई है, जो कि काफी इजीली आप इसको सोल्ड आउट कर सकते हैं, काफी इजीली इसको परचेज कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कहां पर मिलेगा आपको? मिशन एजुकेशन ऐप पर मिलेगा। मिशन एजुकेशन ऐप पर आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। मिशन एजुकेशन ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और अभी परचेज कर लीजिएगा, ताकि आपको इसके रिगार्डेड सभी बेनिफिट हो सके। और मैं कंप्लीटली कह सकता हूं, बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर ये टेस्ट सीरीज आपने बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ और पॉजिटिव एफर्ट से लिए तो 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होंगे, बिल्कुल ये मेरी गारंटी है। लेकिन उसके लिए आपका खुद का एफर्ट लगना पड़ेगा, आपको खुद को एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि जितना मुझे एफर्ट लगाना है मैं एफर्ट लगा रहा हूं और बाकी आपको एफर्ट लगाना होगा। चलिएगा, वापस सेशन में आ जाते हैं। ये टेस्ट सीरीज के रिगार्डेड आपको इंपोर्टेंट जानकारी समझ में आ गई होगी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 36 नंबर क्वेश्चन, काफी इजी काफी सिंपल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक आप सबको याद है, इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक आप सबको याद है। चलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, काफी इजी सा क्वेश्चन है। चलेगा, मैं यहां पर क्वेश्चन के रिगार्डेड थोड़ी सी बाय मिस्टेक यहां पर ये मान के चलेगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, और मेरा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, मैं करेक्ट करता हूं। क्वेश्चन में यहां पर सब सेंटर नहीं है, यहां पर आपका पीएससी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के रिगार्डेड क्वेश्चन यहां पर है। सेम क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन कवर्ड बाय द पीएससी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है यानी पीएससी जो है उसके रिगार्डेड आपसे पॉपुलेशन पूछी है, कितनी पॉपुलेशन पर एक पीएससी होता है, कितनी पॉपुलेशन पर एक पीएससी एस्टैब्लिश होता है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आपको आंसर देना है, कितनी पॉपुलेशन पर एक हेल्थ सेंटर कौन सा पीएससी एस्टैब्लिश होता है, जल्दी से आपको आंसर देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से आंसर दे देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, एक पीएससी के अंदर कितनी पॉपुलेशन होती है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। चलिएगा, इस क्वेश्चन के रिगार्डेड ऑप्शन आपके सामने है पहला ऑप्शन फर्स्ट 40,000 to 50,000 पॉपुलेशन, सेकेंड ऑप्शन है बी 10,000 to 20,000 पॉपुलेशन, ऑप्शन नंबर सी 80,000 to 1,20,000 पॉपुलेशन, और ऑप्शन नंबर डी 20,000 to 30,000 पॉपुलेशन।
चलेगा, बताइए कितनी पॉपुलेशन होती है एक पीएससी के अंडर। तो एक पीएससी के अंदर कितनी पॉपुलेशन होती है, कितनी पॉपुलेशन पर एक पीएससी एस्टैब्लिश किया जाता है, जल्दी से आंसर देना है, फिर इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। और याद रहना चाहिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उम्मीद करता हूं जो अभी तक दो चार से पांच क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछेगा जाएगा, 100% पूछा जाएगा बिल्कुल। चलेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपन बता देते हैं। इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो राइट आंसर होता है, पीएससी की जो पॉपुलेशन होती है वो होती है ऑप्शन नंबर डी, 20,000 to 30,000, 20,000 से लेकर 30,000 पॉपुलेशन हो सकती है एक पीएससी के अंदर। यानी एक पीएससी कहां पर एस्टैब्लिश होता है, जहां की पॉपुलेशन 20,000 से लेकर 30,000 होगी। 20,000 मतलब कि हिली एरिया के अंदर, 20,000 हिली एरिया के अंदर, 30,000 प्लेन एरिया के अंदर। तो क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि पीएससी के अंदर जो प्लेन एरिया होता है वहां की पॉपुलेशन कितनी होती है। तो 20,000 से लेकर 30,000 पॉपुलेशन होती है, यानी 30,000 पॉपुलेशन पर एक पीएससी होगा। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा कि पीएससी का पॉपुलेशन क्या होता है। तो यहां तक अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूं आपने सेशन को लाइक और शेयर कर दिया होगा, और नहीं किया है तो अभी कर दीजिएगा, क्योंकि सभी तक सेशन पहुंचना चाहिए, सभी को सेशन मिलना चाहिए ताकि सभी को बेनिफिट हो। और मेरा टारगेट भी यही है कि सभी सेशन को इजीली देख पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 37 नंबर क्वेश्चन, काफी जबरदस्त काफी इजी सा क्वेश्चन है, देखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर द हेल्थ प्लानिंग आर। देखिएगा क्वेश्चन यहां पर ये है, हेल्थ प्लानिंग, कोई भी अपन हेल्थ प्लानिंग करते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम के अंदर जो हेल्थ प्लानिंग होती है उसके अंदर क्या क्या रिक्वायर होती है, किस किस की जरूरत होती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा मैन पावर, सेकेंड ऑप्शन देखेगा यहां पर मनी, थर्ड ऑप्शन देखेगा मटीरियल, और फोर्थ ऑप्शन देखेगा ऑल ऑफ दी अबव। चलेगा आंसर आपको बताना है, कैसा करेक्ट आंसर है, 2 सेकेंड आपके पास है। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है आपका, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्योंकि हेल्थ प्लानिंग करने के लिए आपको मैन पावर की जरूरत है, आपको मेन पावर एटलीस्ट यानी कि स्टाफ की जरूरत है, आपको स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, आपको स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मेन पावर की आपको जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा आपके पास पैसा होना चाहिए, बिल्कुल मनी आपके पास होना चाहिए, उसके अलावा आपके पास मटेरियल होना चाहिए, तभी जाकर आप हेल्थ प्लानिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हेल्थ प्लानिंग कर सकते हैं, यानी तीनों आपके पास होने चाहिए, इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑल ऑफ दी अबव बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। और उम्मीद करता हूं क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, आंसर भी समझ में आ गया होगा और याद भी रहेगा। चलेगा मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 जो कि काफी इंपोर्टेंट और काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन ये है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्लान इज एन एस्पेक्ट ऑफ, देखिएगा क्वेश्चन यहां पर यह है कि आप जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसके रिगार्डेड कौन सा एस्पेक्ट यहां पर सही है। जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं आप, प्लान डॉक्यूमेंट करते हैं, तो यहां पर फॉलोइंग ऑप्शन में कौन सा सही है, फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन सा सही है, किस चीज को आप डॉक्यूमेंट करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा है। पहला ऑप्शन है आपके पास है, गोल, क्या गोल को आप डॉक्यूमेंट करते हैं। सेकेंड नंबर ऑप्शन है आपके पास बी ऑप्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होता है क्या उसको आप डॉक्यूमेंट करते हैं प्लान के अंदर। थर्ड ऑप्शन है सी ऑप्शन है, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, क्या मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन को आप एडमिनिस्टर करते हैं यानी डॉक्यूमेंट करते हैं। और डी ऑप्शन है यहां पर, ए और डी, यानी गोल और डी ऑप्शन आपका सही है। क्या करेक्ट आंसर है, आंसर आपको देना है, 5 सेकंड आपके पास है, देन आफ्टर इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। जल्दी कीजिएगा, सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा, और चैनल पर जो भी कैंडिडेट पहली बार विजिट कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं जीवन एजुकेशन पर, वो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन उनको मिलता रहे। चलेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी,
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को डॉक्यूमेंट किया जाता है प्लान के अंदर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलेगा क्वेश्चन के अंदर से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। उम्मीद है यहां तक सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, और अभी तक जितने भी क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए सारे क्वेश्चन कहां से रिगार्डेड है, आपकी सेकंड यूनिट से रिगार्डेड है, फर्स्ट ब्लॉक की सेकंड यूनिट से रिगार्डेड सारे क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जिनको काफी सेलेक्ट करके बनाया हुआ है, काफी सेलेक्ट करके आपके यूनिट से बनाया हुआ है, आप कहीं पर भी देखे ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चन और इस तरीके से क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल एज इट इज आपकी जो मॉड्यूल्स मिले हैं उनसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए। चलेगा क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आप देखते हैं यहां पर क्वेश्चन है टाइप बी पीएससी इज डिलीवर्ड या डिलीवरी लोड, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन ये है पीएससी अलग अलग देखिएगा, पीएससी आपने पढ़ा होगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसके अंदर आपने पीएससी को डिवाइड किया है, जिसके अंदर अपन ने पीएससी को क्या किया है, डिवाइड किया है। तो पीएससी को डिवाइड जब अपन करते हैं तो डिवाइड करने पर दो तरीके के पीएससी यहां पर बनती है, टाइप ए पीएससी और टाइप बी पीएससी। क्वेश्चन यहां से है टाइप बी पीएससी जो होती है वहां पर जो डिलीवरी लोड होता है वो कितना होता है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आंसर आपको देना है, ऑप्शन में रिपीट करता हूं। पहला ऑप्शन है 10 और मोर डिलीवरी पर मंथ, एक महीने के अंदर 10 और 10 से ज्यादा डिलीवरी। सेकंड ऑप्शन है 25 और मोर डिलीवरीज पर मंथ, एक महीने में 25 और उससे ज्यादा डिलीवरी। थर्ड ऑप्शन है एंड सी ऑप्शन है 20 और लेस डिलीवरी पर मंथ, 20 और 20 से कम डिलीवरी एक महीने के अंदर। उसके अलावा डी ऑप्शन है 20 और मोर डिलीवरी पर मंथ, एक महीने में 20 से ज्यादा डिलीवरी। चलेगा क्या आंसर सही होगा आपका, जल्दी से आपको कमेंट करना है। 2 सेकंड आपको देता हूं, फिर इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। देखिएगा पीएससी के रिगार्डेड क्वेश्चन है, और पीएससी के रिगार्डेड क्वेश्चन काफी इजी सा ये पूछा है कि जो पीएससी को आपने डिवाइडेड किया था, हमने देखिएगा पीएससी सीएससी सब सेंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल नेशनल लेवल सभी तरीके से सेशन लिए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के अंदर दे दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाएगा और सेशन के अंदर आप ढूंढ लीजिएगा, पीएससी सीएससी हेल्थ केयर सिस्टम सारे सेशन अवेलेबल है, और सभी के अंदर काफी अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है, काफी अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, हर सेशन के अंदर आपको क्वेश्चन इंपोर्टेंट देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि अभी टाइमिंग आपके पास बहुत कम है, टाइमिंग आपके पास कम है, और आप उनको जरूर देखिएगा क्योंकि काफी इंपोर्टेंट है। चलेगा वर्कलोड की अगर अपन बात करें तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पीएससी को अपन डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, पीएससी नंबर 1 यानी ए पीएससी ए और पीएससी बी। पीएससी ए के अंदर जो डिलीवरी होती है वो 20 से कम, अगर एक महीने में 20 से कम डिलीवरी हो रही है तो उस टाइप की पीएससी किसके अंदर है, टाइप ए पीएससी है। अगर 20 से ज्यादा डिलीवरी है एक महीने के अंदर तो वो किस टाइप की पीएससी है, टाइप बी पीएससी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर करते रहिए। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, काफी इजी सा काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है आपको, बाकी इजीली आपको समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलेगा क्वेश्चन यहां पर ये है, चलिए क्वेश्चन यहां पर ये है 40 नंबर क्वेश्चन है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अपेक्स हॉस्पिटल आर इन विच लेवल ऑफ एनआरएचएम हेल्थ केयर स्ट्रक्चर। देखिएगा हेल्थ केयर स्ट्रक्चर के अंदर आपने इस तरीके से देखा होगा, मैंने सेशन के अंदर बताया था आपके अलग अलग लेवल, पहला लेवल ये प्राइमरी लेवल जिसको हमने कहा था, दूसरा लेवल ए सेकेंडरी लेवल जिसको हमने कहा था, तीसरा लेवल ए जिसको टर्सरी लेवल हमने कहा था। तो यहां पर अलग अलग हेल्थ केयर सिस्टम यहां पर थे, अलग 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 फैसिलिटीज यहां पर थी। तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल या फिर अपेक्स हॉस्पिटल ये एनआरएचएम जो है उसके किस लेवल पर आते हैं,
क्या प्राइमरी लेवल पर आते हैं, क्या सेकेंडरी लेवल पर आते हैं, क्या टर्सरी लेवल पर आते हैं, क्या इनमें से किसी में भी नहीं आते हैं, क्या इन सभी में आते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आपको देना है, आंसर आपको देना है जल्दी से। क्या इसका करेक्ट आंसर देना, फिर इसका सही आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्राइमरी लेवल, ऑप्शन नंबर सेकंड सेकेंडरी लेवल, ऑप्शन नंबर थर्ड टर्शियरी लेवल और ऑप्शन नंबर फोर्थ नन ऑफ दी अबव। चलिएगा बताइए किस लेवल पर आता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी या फिर इनमें से किसी पर भी नहीं। चलिएगा जल्दी से आंसर बता दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है, देन आफ्टर इसका सही आंसर भी आपको बताया जाएगा और इन सभी लेवल के बारे में भी आपको बताया जाएगा। देखिएगा काफी इंपोर्टेंट है, भूलना नहीं है आपको, भूलना नहीं है क्योंकि काफी अच्छी तरीके से मैं पढ़ा चुका हूं। चलेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, टर्शियरी लेवल पर आते हैं। टर्शियरी लेवल पर आते हैं आपका मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल, अपेक्स हॉस्पिटल, ये सब आपके टर्शियरी लेवल पर आते हैं। आपका क्वेश्चन जाएगा सर प्राइमरी लेवल पर क्या आता है, सेकेंडरी लेवल पर क्या आता है, एक बार बता दीजिएगा। बिल्कुल बताने के लिए ही क्लास में बैठे हैं, बताने के लिए ही सेशन को हम ज्वाइन किए हैं। चलेगा बता देते हैं, आपको याद रखना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों लेवल में आपको बताऊंगा। देखिएगा याद रखिएगा कंसंट्रेशन के साथ, नोटबुक साथ में रखिएगा, नोट करते रहिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अगर मेहनत नहीं करना चाहते तो फिर आप सोच लीजिएगा क्या करना पड़ेगा। चलिएगा ये प्राइमरी लेवल है, पहला लेवल दैट इज अ प्राइमरी लेवल, दूसरा सेकेंडरी लेवल और तीसरा टर्शियरी लेवल, तीन लेवल मैंने बता दिए हैं। और एनआरएचएम के अंदर जो हेल्थ स्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर स्ट्रक्चर है, उसके अंदर तीन लेवल बताए गए हैं। तीन लेवल में से अगर अपन बात करें प्राइमरी लेवल की, तीन लेवल में से अगर अपन बात करें प्राइमरी लेवल की, तो प्राइमरी लेवल के अंदर आता है आपका पीएचसी, प्राइमरी लेवल के अंदर आपका आता है पीएचसी और सब सेंटर। याद रहे पीएचसी और सब सेंटर आपका प्राइमरी लेवल के अंदर आता है, याद रहे, भूलना नहीं है। उसके बाद अगर सेकेंडरी लेवल की बात करें, सेकेंडरी लेवल की बात करें तो सेकेंडरी लेवल में आता है आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ आपका सीएससी आता है। सीएससी के साथ आपका जो तालुका हॉस्पिटल आता है, तालुका हॉस्पिटल होता है वो आता है, याद रखिएगा। अब टर्शियरी लेवल की बात करें तो टर्शियरी लेवल में आता है आपका मेडिकल कॉलेज, टर्शियरी लेवल में आता है आपका मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के साथ आपका हॉस्पिटल आता है, मेडिकल हॉस्पिटल आता है, उसी के साथ आपका अपेक्स हॉस्पिटल आता है। तो देख लीजिएगा प्राइमरी लेवल पर क्या आया सर, प्राइमरी लेवल पर पीएससी और सब सेंटर आया। सेकेंडरी लेवल पर क्या आया सर, सेकेंडरी लेवल पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सीएससी, तालुका हॉस्पिटल आया। और टर्शियरी लेवल पर क्या आया सर, टर्शियरी लेवल पर अगर बात करें तो मेडिकल कॉलेज, अपेक्स कॉलेज, ये सारे कुछ यहां पर आते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा और नोट कर लिया होगा। नोट नहीं किया तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि अपन सेशन को आगे बढ़ाएं और आगे के क्वेश्चन को अपन डिस्कस करें। उम्मीद करता हूं सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा और मिशन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर बीपीसीसीएचएन के साथ आपको कोर्स अवेलेबल है, कोर्स आपको 799 में अवेलेबल है, जिसके अंदर सभी कंटेंट आपको अवेलेबल करवाए हुए हैं। टेस्ट यानी आपको ब्लॉक वाइज यूनिट वाइज क्वेश्चन अवेलेबल करवाए हुए हैं, हर यूनिट हर सेशन के रिगार्डेड वहां पर क्वेश्चन अवेलेबल करवाए हुए हैं, वीडियो क्लासेस अवेलेबल करवाए हुए हैं, सभी का पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करवाया हुआ है। और स्पेशली अगर बात करें तो कल आपको अनाउंस किया था टेस्ट सीरीज के रिगार्डेड, वो आपको 499 में अवेलेबल करवाया हुआ है। इसीलिए आपने मिशन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी जबरदस्त, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझिए, आंसर दीजिएगा और आगे बढ़ दीजिएगा। चलेगा 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है फर्स्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन कम्युनिटी एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। चलिएगा काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है अब आपको,
दिमाग लगाना है। और मैं उन सभी कैंडिडेट से कहता हूँ जो कैंडिडेट स्टार्टिंग से है, जीवन एजुकेशन की सभी क्लासेस ले रहे हैं, उन सभी को इसका आंसर पता होगा। जो नहीं ले रहे हैं उनको हो सकता है कंफ्यूजन हो, इसलिए सबसे कहना चाहूंगा जितने भी सेशन अभी तक हुए हैं जीवन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर, उनको जरूर से एक बार विजिट कीजिएगा, क्योंकि सभी सेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, गारंटी के साथ मैं बोलता हूं। ठीक है, तो सभी सेशन को एक बार से जरूर से विजिट कीजिएगा। चलेगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये है, फर्स्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन ए कम्युनिटी एंड ए प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, कम्युनिटी और प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के बीच में जो पहला कॉन्टेक्ट होता है वो कहां पर होता है? चलेगा, आंसर आपको देना है कहां पर होता है, किस किस के बीच में? कम्युनिटी और प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के बीच में पहला कॉन्टेक्ट किस लेवल पर होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या सब सेंटर पर होता है? ऑप्शन नंबर सेकंड, क्या पीएससी पर होता है? ऑप्शन नंबर थर्ड, क्या सीएससी पर होता है? ऑप्शन नंबर फोर्थ, क्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता है? तो आंसर आपको देना है कहां पर फर्स्ट कॉन्टेक्ट होता है कम्युनिटी के साथ प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम का? क्या सब सेंटर में होगा, क्या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में होगा, क्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में होगा, क्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होगा? चलेगा, 2 सेकंड में देता हूं आंसर आपको बताना है, फिर इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कम्युनिटी के साथ हेल्थ सिस्टम जब फर्स्ट कॉन्टेक्ट होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम का फर्स्ट कॉन्टेक्ट होता है आपके सब सेंटर में, आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, यानी सब सेंटर में पहला कॉन्टेक्ट होता है। याद रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए, आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो समझ लीजिएगा आपको आना ही चाहिए, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा, इसलिए याद रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलेगा, आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया है। क्वेश्चन ये है, 42 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल एंड मेडिकल ऑफिसर, यानी डॉक्टर, यानी इंडिविजुअल के साथ डॉक्टर का पहला कॉन्टेक्ट कहां पर होता है, यानी डॉक्टर कहां पर होता है, डॉक्टर किस लेवल पर होता है, और किसी इंडिविजुअल का फर्स्ट कॉन्टेक्ट किस लेवल पर होता है डॉक्टर के साथ? क्वेश्चन समझ में आ गया, ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है सब सेंटर पर, सेकंड ऑप्शन है पीएससी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर, सी ऑप्शन है सीएससी पर यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर, और डी ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर। चलिएगा, बताइएगा कि एक इंडिविजुअल का मेडिकल ऑफिसर के साथ और डॉक्टर के साथ पहला कॉन्टेक्ट किस लेवल पर हो जाता है? क्वेश्चन समझ में आ गया, ऑप्शन भी समझ में आ गया, तो आंसर भी आपको समझ में आ गया। जल्दी से आंसर आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए। चलेगा, आपके माइंड में डाउट हो सकता है कि डॉक्टर तो सब जगह होता है, लेकिन याद है डॉक्टर सब जगह नहीं होता है। चलेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन, पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, क्योंकि यहां पर ही मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल होता है, यहीं पर ही डॉक्टर अवेलेबल होता है। याद रहे, सब सेंटर पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है। आपको याद नहीं है तो याद रखिएगा, यहां पर आने वाले टाइम में और अभी से देख लीजिएगा, सीएचओ होगा। कौन होगा? सीएचओ होगा, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होगा, जो कि डॉक्टर नहीं है लेकिन डॉक्टर का सारा काम करेगा। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अलग से ही होगा, यहां पर डॉक्टर नहीं होगा। तो सब सेंटर पर डॉक्टर नहीं होता है, सब सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर नहीं होता है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। सीएससी की बात करें तो सीएससी पर भी इसका आंसर नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट की बात करें डिस्ट्रिक्ट पर भी इसका आंसर नहीं होगा। हालांकि यहां पर डॉक्टर होते हैं और काफी संख्या में डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है पहला कॉन्टेक्ट, मान के चलिएगा कोई पर्सन एक गांव में है, कोई पर्सन गांव में है, विलेज के अंदर है, उसको फीवर आया है या कोई भी मेडिकल कंडीशन उसको हुई है, सबसे पहले जाएगा वो कहां पर? सब सेंटर पर। लेकिन सब सेंटर पर डॉक्टर है क्या? नहीं है, तो फिर आगे जाएगा, रेफर किया जाएगा वो पीएससी पर। इसलिए पहला कॉन्टेक्ट कहां पर होगा उसका? पीएससी पर, क्योंकि पीएससी पर मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल होता है, डॉक्टर अवेलेबल होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीएससी।
पीएससी बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, और आई थिंक किसी का भी गलत नहीं होगा, सभी को इसका आंसर पता होगा, क्योंकि एकेडमिक सेशन से आज से लगभग कुछ 4-5 सालों से आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे, क्योंकि 4-5 साल लगते हैं करीब अपने इस नर्सिंग फील्ड के अंदर, आप सबको पता है एकेडमिक सेशन के अंदर। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिएगा क्वेश्चन ये है, ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट रेफरल यूनिट। फर्स्ट रेफरल यूनिट किसको कहते हैं यार, काफी इजी क्वेश्चन है, नहीं है काफी बड़ा क्वेश्चन है जिसको पता नहीं है उसके लिए, लेकिन काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर आपको देना है फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सब सेंटर, ऑप्शन नंबर बी है पीएससी, ऑप्शन नंबर सी है सीएससी, ऑप्शन नंबर डी है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। बताइए फर्स्ट रेफरल यूनिट, समझ में आ गया, रेफरल यूनिट तो सभी होगी यहां पर सब सेंटर को छोड़कर, बाकी फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सी होगी, समझ में आ गया ना। चलिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपको देना है, 2 सेकंड आपके पास है, उसके बाद करेक्ट आंसर मैं दे दूंगा। चलेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है सीएससी। सीएससी को फर्स्ट रेफरल यूनिट कहा जाता है, याद रहे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन बीपीसीसीएचएन कैंडिडेट के लिए तो है ही, सीएचओ ब्रिज कोर्स यानी ट्रेनिंग कर रहे कैंडिडेट के लिए तो है ही, लेकिन जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वहां पर भी इंपोर्टेंट है, और सीएचओ के स्पेशली सीएचओ की बात करें, सीएचओ की जो वैकेंसीज आती है चाहे किसी भी स्टेट में आए, वहां पर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उनके लिए ये काफी हेल्पफुल सेशन होगा। तो इन सेशन को सभी तक शेयर कीजिएगा, चाहे वो बीपीसीसीएचएन से रिगार्डेड हो या अदर कैंडिडेट हो जो कि नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन उनको कहीं नहीं मिलेंगे, और ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बीपीसीसीएचएन के लिए काफी हेल्पफुल है उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और जो भी कैंडिडेट पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 44, काफी इजी, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। बेड कैपेसिटी इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी कि सीएससी के अंदर बेड कैपेसिटी कितनी होती है, क्वेश्चन समझ में आ गया, यानी सीएससी पर मैक्सिमम बेड कितने होते हैं, मिनिमम बेड कितने होते हैं, बेड कैपेसिटी आपसे पूछी जा रही है सीएससी की, स्पेशली सीएससी के, तो आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 20, ऑप्शन नंबर सी है 30, ऑप्शन नंबर डी है 50। क्या सीएससी के अंदर 10 बेड होते हैं, क्या सीएससी के अंदर 20 बेड होते हैं, क्या सीएससी के अंदर 30 बेड होते हैं, या क्या सीएससी के अंदर 50 बेड होते हैं, आंसर आपको देना है, 2 सेकंड में देता हूं। चलेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 30 बेड। कितने बेडेड हॉस्पिटल होता है सीएससी, याद रहे जनरली क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सीएससी के अंदर फर्स्ट रेफरल यूनिट माना जाता है सीएससी को, और यहां पर बेड की जो संख्या होती है, बेड कैपेसिटी होती है 30 बेड यहां पर होते हैं, याद रहे 30 बेड यहां पर होते हैं, याद रहे भूलना नहीं है। चलेगा इसी के साथ आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, और उसी का सिमिलर क्वेश्चन है यहां पर, क्वेश्चन क्या कहता है देखेगा, 45 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है रिकमेंडेड बेड कैपेसिटी इन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, प्राइमरी सेंटर के अंदर पीएससी के अंदर बेड कैपेसिटी कितनी होती है, एक पीएससी के अंदर कितने बेड होने चाहिए, उसकी रिकमेंडेड बेड कैपेसिटी आपसे पूछी जा रही है। सीएससी के अंदर कितने बताए मैंने, आपको याद रखना पड़ेगा 30 बेड होते हैं सीएससी के अंदर, कितने बेड 30 बेड होते हैं सीएससी के अंदर, और अगर अपन बात करें पीएससी की तो पीएससी के बेड आपको बताने पहला ऑप्शन है पीएससी के अंदर 3 बेड होते हैं, सी बी ऑप्शन है यहां पर पीएससी के अंदर 6 बेड होते हैं, सी ऑप्शन है यहां पर पीएससी के अंदर 8 बेड होते हैं, 8 बेड होते हैं, पीएससी के अंदर 10 बेड होते हैं। चलिए बताइए पीएससी के अंदर कितने बेड होंगे, क्या 3 होंगे, क्या 6 होंगे, क्या 8 होंगे, क्या 10 होंगे, बता दीजिएगा आंसर क्या होगा, 2 सेकंड में देता हूं।
इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होता है। पीएससी के अंदर जनरली 6 बेड होते हैं, अगर रेंज की बात करें तो 4 से 6 बेड होते हैं। कितने बेड? 4 to 6 बेड होते हैं जनरली, किसके लिए? पीएससी के अंदर। पीएससी के अंदर कितने बेड होते हैं याद रखे, 4 से 6। क्वेश्चन के अंदर आंसर पूछा जाएगा तो 6 आंसर मान लिया जाएगा। सीएससी की बात करें तो सीएससी के अंदर बेड होते हैं कितने? 30 बेड होते हैं। याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, दोनों में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी जबरदस्त और रिपीटेडली क्वेश्चन है। और अभी तक मैं बता दूं आपको, ये क्वेश्चन जो आपके सामने है 3 बार BPCCHN एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। कितनी बार? 3 बार BPCCHN के अंदर एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर आप देते हैं। क्वेश्चन यहां पर ये है, 1 PSC इज रेफरल यूनिट फॉर सब सेंटर। क्वेश्चन समझ में आ गया, 1 PSC कितने CSC के लिए रेफरल यूनिट, कितने सब सेंटर के लिए रेफरल यूनिट होती है, यानी 1 PSC कितने सब सेंटर के लिए रेफरल यूनिट होती है, 1 PSC के अंदर कितने सब सेंटर चलते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है 8। चलेगा आंसर आप बता दीजिएगा क्या करेक्ट आंसर है। 1 PSC कितने सब सेंटर के लिए रेफरल यूनिट मानी जाती है? चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर है 6 सब सेंटर, यानी 1 PSC के अंडर होते हैं 6 सब सेंटर, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। अगर रेंज की बात करें तो 4 to 6 सब सेंटर आप कह सकते हैं। कितने सब सेंटर? 4 to 6 सब सेंटर आप कह सकते हैं, 4 से 6 सब सेंटर आप कह सकते हैं। और जनरली आंसर आपका इसका जनरली माना जाता है मोस्ट कॉमनली 6 सब सेंटर, यानी 1 PSC किसके कितने सब सेंटर पर होती है? 6 सब सेंटर होती हैं, याद रहे, भूलना नहीं है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिएगा उसी के सिमिलर क्वेश्चन यहां पर है, उसी का सिमिलर क्वेश्चन यहां पर है, आंसर आपको देना है, क्वेश्चन समझना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए तभी आंसर देना है, नहीं तो कंफ्यूजन तगड़ा वाला हो सकता है और फिर आपका आंसर गलत हो सकता है। देखिएगा क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि 1 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, यानी 1 CSC इज रेफरल यूनिट फॉर PSC, फॉर हाउ मेनी PSC। क्वेश्चन समझ में आ गया, 1 CSC के अंदर कितनी PSC होती है, समझ में आ गया, यानी 1 CSC कितनी PSC पर होती है, या 1 CSC कितनी PSC के लिए रेफरल यूनिट मानी जाती है। कैसे भी समझे क्वेश्चन का आंसर वही रहेगा, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 7। चलेगा आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है। 1 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितनी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए रेफरल यूनिट मानी जाती है, या 1 CSC के अंडर कितनी PSC रन की जाती है, चलाई जाती है। चलेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल कितना आंसर है 4 PSC। 1 CSC की बात करें तो ये 1 CSC 4 PSC पर रेफरल यूनिट मानी जाती है। 1 CSC के अंडर कितनी PSC रन होती है? 4 PSC रन होती है, याद रहे। कितनी PSC? 4 PSC रन होती है, याद रहे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन काफी ज्यादा हो सकता है और कंफ्यूजन के मारे आपका क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। चलेगा आगे बढ़ते हैं और इसी का सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसीलिए कह रहा हूं कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करना है, कंफ्यूजन होना नहीं है, क्योंकि गलत हो सकता है आपका क्वेश्चन और आपको थोड़ा सा समझदार रहना है और क्वेश्चन को समझना है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। क्वेश्चन ये कहता है वन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इज रेफरल यूनिट फॉर हाउ मेनी सब सेंटर। अब क्वेश्चन देखिएगा, अभी जो क्वेश्चन इससे पहले का जो क्वेश्चन पूछा था मैंने, ये क्वेश्चन था एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितनी पीएससी पर रेफरल यूनिट माना गया था, तो इसका आंसर आपने दिया 4। लेकिन अब क्वेश्चन पूछा है एक सीएससी कितने सब सेंटर के लिए रेफरल यूनिट माना जाता है, तो आंसर इसका देना है ए ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 22, सी ऑप्शन है 24, डी ऑप्शन है 30। चलेगा आंसर आपको देना है कि एक सीएससी कितनी सब सेंटर के लिए रेफरल यूनिट मानी जाती हैं। आंसर देना है फटाफट से, 2 सेकंड आपके पास है, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा। चलेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है आपका 24, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। एक पीएससी एक सीएससी की अगर बात करें तो एक सीएससी 4 पीएससी के लिए रेफरल यूनिट होती है, एक सीएससी की बात करें तो एक सीएससी 24 सब सेंटर के लिए रेफरल यूनिट होती है। याद रहे, कभी भूलना नहीं है। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी जबरदस्त, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले हो गया, चलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गए। चलेगा क्वेश्चन का आंसर समझते हैं फिर उसका आंसर देते हैं। क्वेश्चन ये कहता है 49 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कहता है कि विच सेंटर प्रोवाइड द बेसिक स्पेशलिटी या स्पेशल सर्विसेज जनरल मेडिसिन पीडियाट्रिक्स सर्जरी ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा सेंटर है फॉलोइंग ऑप्शन में से जहां पर बेसिक सर्विसेज के साथ कुछ स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, लाइक मेडिसिन जनरल मेडिसिन, लाइक पीडियाट्रिक सर्जरी, लाइक ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजिकल सर्विसेज। बताइएगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन है पीएससी, सेकेंड ऑप्शन है सब सेंटर, थर्ड ऑप्शन है सीएससी और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। चलिएगा आंसर आपको देना है फटाफट से, करेक्ट आंसर आपको देना है। और मैंने कहा है, ध्यान रहेगा, मैंने कुछ सेशन के अंदर डिस्कस किया था इस बारे में, अभी बताऊंगा क्या गलती करेंगे। चलेगा क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, फिर राइट आंसर आपको बताया जाएगा। चलेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी सीएससी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंदर स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, लाइक जनरल मेडिसिन, लाइक पीडियाट्रिक्स, लाइक सर्जरी, लाइक ओबीसी से रिगार्डेड यानी एंटीनेटल पोस्टनेटल रिगार्डेड जो सर्जिकल कंडीशंस होती है उनको परफॉर्म किया जाता है, यानी जनरल सर्विसेज के साथ बेसिक सर्विसेज के साथ यहां पर स्पेशल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं, दैट इज सब सेंटर के रिगार्डेड नहीं होता है, पीएससी के रिगार्डेड नहीं होता है, सीएससी के रिगार्डेड नहीं होता है। और यहां पर अगर आप इस कंफ्यूजन से रहते हैं, देखिएगा यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर समझ में आएगा सीएससी, अभी बताऊंगा क्यों सीएससी रखा गया है, कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी, रीजन बताऊंगा डोंट वरी, रेशनल बताऊंगा बिल्कुल डोंट वरी, परेशान नहीं होना। देखिएगा पहले मैं आपको एक बात बता दूं और प्रीवियसली सेशन के अंदर भी मैंने बताया था, कुछ लोग ऐसे होते हैं तीन तरीके के लोग होते हैं यहां पर, बेसिकली दो तरीके के लोग होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थ्योरेटिकल बेसिस पर नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हैं यानी प्रैक्टिकल बेसिस पर एग्जाम हुआ, दो तरीके के लोग वो होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो अपना दिमाग बहुत ज्यादा चलाते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो अपना दिमाग जगह पर इस्तेमाल करते हैं, जहां पर उसकी जरूरत है वहां पर चलते हैं। दिमाग दोनों के अंदर है, दोनों के अंदर बराबर है, सबको पता है दिमाग का वजन कितना है, दोनों को पता है सबके अंदर दिमाग है, सबको पता है, लेकिन कुछ लोग ज्यादा चला लेते हैं और कुछ लोग जगह पर इस्तेमाल करते हैं। तो देखिएगा
कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां पर देखेगा क्वेश्चन के अंदर दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक तो ऑल ऑफ दी अबव या फिर ऑल ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। तो फिर देखेगा कुछ कैंडिडेट का रिएक्शन कैसा होता है अगर क्वेश्चन के अंदर ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज या फिर ऑल ऑफ दी अबव अगर क्वेश्चन के अंदर मिल गया तो उनका मानना यह होता है कि हर क्वेश्चन में नन ऑफ दी अबव क्यों नहीं डालते, ये उसी के अंदर डालते हैं जिसके अंदर ये आंसर सही होता है। तो काफी सारे कैंडिडेट के मानने के अनुसार इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाना चाहिए था, मैंने क्यों नहीं डी लगाया क्योंकि उसका रीजन भी मैं बताऊंगा। तो कुछ लोग ये गलती कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, माइंड को इस्तेमाल करते हैं और सही आंसर उसका लगा देते हैं। अब देखिएगा ये गलती आपको नहीं करनी है, जो भी कैंडिडेट है और जो लोग ऐसा मानते हैं, जो लोग ऐसा करते हैं और जिस जो भी कैंडिडेट क्लास में ज्वाइन है और उसको मेरी बात बुरी लगी उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ऐसा जनरली होता है, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, आपको भी यह सारी जानकारी होगी, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करना है, आपको केवल एलिमिनेशन मेथड आप लगा सकते हैं यानी निकालने गलत वाले ऑप्शन हटा सकते हैं, लेकिन यह गलती बिल्कुल भी ना करना है, आंखें बंद करके ऐसे ऑप्शन को टिक नहीं कर देना है क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर एक बार गोला भर गया तो भर गया, बिल्कुल कोई भी उसको सही नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो गलती ना करना है। देखेगा मैंने ऑल ऑफ दी क्यों नहीं लगाया, इस क्वेश्चन का आंसर कुछ लोगों के मानने के अनुसार ऑल ऑफ दीज हो जाना चाहिए था क्योंकि ऑप्शन तो यहीं पर आया, सभी क्वेश्चन के अंदर ऑल ऑफ दी नन ऑफ दी अबव क्यों नहीं आता है, क्योंकि जिसमें जरूरत होती उसी में आना चाहिए ना, तो यहां पर भी जरूरत है, क्या जरूरत है सर? नहीं है बिल्कुल, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है तो मैं बता दूं, सीएससी मैंने इसका आंसर क्यों माना, क्योंकि सीएससी पर अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता तो वो भी इसका आंसर हो जाता। हाँ बिल्कुल हो जाता, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, लेकिन ऑप्शन में था ही नहीं, इसलिए सीएससी बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि सीएससी के अंदर ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जनरल मेडिसिन के रिगार्डेड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, पीडियाट्रिक्स के रिगार्डेड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है और सर्जरी और ओबीजी के रिगार्डेड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो यहां पर आंसर क्या हो गया आपका, सी आंसर हो गया, यानी सीएससी हो गया, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गया। अगर मैं नन ऑफ दी यहां ऑल ऑफ दी अबव लगाता तो आपका आंसर होना चाहिए था, क्या सब सेंटर के अंदर सर्जरी की जाती है? नहीं की जाती है। क्या सब सेंटर के अंदर पीडियाट्रिक्स से रिगार्डेड सर्विसेज स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है? सर नहीं की जाती है। क्या सब सेंटर के अंदर जनरल मेडिसिन से रिगार्डेड स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है? सर नहीं की जाती। यहां पर केवल बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, इसलिए सब सेंटर के अंदर सर्जरी होता ही नहीं है, तो ये इसका आंसर हो ही नहीं सकता। उसके अलावा पीएससी के अंदर भी बात करें तो स्पेशल टाइप से अपन बात करें तो सर्जरी नहीं होती है ना। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो फिर डायरेक्टली पेशेंट को रेफर कर दिया जाता है कहां पर फर्स्ट रेफरल यूनिट पर यानी सीएससी पर रेफर कर दिया जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया आपका, सीएससी हो गया। और आई थिंक आप समझ गए हैं कि क्यों सीएससी हुआ। और अगर अभी भी किसी कैंडिडेट को लगता है कि नहीं सीएससी गलत है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खाली रहता है, या लिंक आपको इंस्टाग्राम का, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, वहां से मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं कि सर सीएससी इसका आंसर नहीं हो सकता या फिर और हो सकता है। अगर आपका ओपिनियन सही है तो बिल्कुल मैं एग्री होऊंगा, लेकिन इसका आंसर बिल्कुल सीएससी है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है और थोड़ा सा हो सकता है सेशन को एंड करना पड़े क्योंकि आई थिंक थोड़ा सा मुझे गले में दिक्कत आ रही है, गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है और बोलने में दिक्कत आ रही है, तो हो सकता है सेशन को एंड करना पड़ सकता है, लेकिन अभी नहीं करूंगा। जब बिल्कुल भी बंद हो जाएगा गला तो भी मैं बंद कर दूंगा, अगर बिल्कुल ही गला बंद हो जाएगा तो बंद कर दूंगा, लेकिन जब तक के लिए सेशन में एंड तक बने रहे क्योंकि अभी कोशिश करेंगे क्वेश्चंस निकालने की। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 50 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, लेबोरेटरी फैसिलिटी कहां पर अवेलेबल होती है, फिर से क्वेश्चन आ रहा है और फिर से आपको आंसर देना है कहां पर होती है। ऑप्शन नंबर ए सब सेंटर, ऑप्शन नंबर बी पीएससी, ऑप्शन नंबर सी सीएससी और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव। आ गया आपका हथियार, लगा दो नन ऑफ दी अबव। क्या लगाओगे सर? हम नहीं लगाएंगे, हम
उस कैटेगरी के नहीं है। हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हम ऑप्शन देखेंगे, एक बार समझ नहीं आए तो दो बार देखेंगे, दो बार नहीं आए तो तीन बार देखेंगे, लेकिन हम आंख बंद करके आंसर नहीं लगाएंगे। हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, हम पढ़ने वाले हैं तो हम समझदार है, हम क्वेश्चन सही से लगाएंगे। चलेगा तो लगा दो, समझदार है तो फटाफट से 2 सेकंड में आपको दे रहा हूं आंसर, लगा दो फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। सीएससी पर ही लेबोरेटरी फैसिलिटी होती है, क्योंकि सब सेंटर पर तो होती नहीं है, पीएससी पर ज्यादा लेबोरेटरी सर्विसेज होती नहीं है। एक जनरल, एक दो जो थायराइड वगैरह होती है, सीबीसी वगैरह होती है, सीबीसी का भी आई थिंक नहीं होता है, ठीक है। तो पीएससी के अंदर स्पेशली लेबोरेटरी का सर्विसेज फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है। बेसिकली जो लेबोरेटरी सर्विसेज होती है, फैसिलिटी होती है, वो सीएससी या फिर हायर लेवल पर होती है, सब सेंटर और पीएससी पर नहीं होती है, इतनी फैसिलिटी नहीं होती है। पीएससी पर कुछ एक दो टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के अंदर वो हीमोग्लोबिन वगैरह टेस्ट वगैरह होते हैं, लेकिन उसको लेबोरेटरी का टेस्ट नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो समझ में आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया, यानी नन ऑफ दी अबव उसका आंसर तो हो ही नहीं सकता, और सब सेंटर पीएससी हो नहीं सकता, सीएससी इसका राइट आंसर है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया आपका, फिर से सी ऑप्शन, यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएससी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलेगा आगे बढ़ते हैं, और उम्मीद करता हूं सेशन समझ में आ रहा होगा, तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है, लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है, ताकि सभी तक सेशन पहुंचे, सभी सेशन का बेनिफिट ले सके और सभी को बेनिफिट हो, तो लाइक शेयर जरूर करना है। और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सभी को बेनिफिट हो सके, ताकि सभी को बेनिफिट हो सके और सभी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, स्टाफ पूछा हुआ है, देखिएगा क्वेश्चन यहां पर ये कह रहा है, 51 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है, मैन पावर एट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अकॉर्डिंग टू आईपीएस स्टैंडर्ड 2012 आईपीएस स्टैंडर्ड 2012 के अकॉर्डिंग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होता है, सीएससी जो होती है, उसके अंदर मेन पावर यानी स्टाफ कितना होता है, दोनों तरीके से बताने, असेंशियल और डिजायरेबल, दोनों स्टाफ मैंने आपको बताए थे जब सेशन मैंने लिया था, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के रिगार्डेड, पीएससी के रिगार्डेड, सीएससी के रिगार्डेड, सब सेंटर के रिगार्डेड, तो दोनों तरीके से मैंने मैन पावर यानी स्टाफिंग पैटर्न बताया था। तो कितना होता है सीएससी के अंदर, एक सीएससी के अंदर कितना स्टाफिंग पैटर्न होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन में रिपीट करता हूं, पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा 40 और 50 देखेगा, जो आगे मैंने लिखा है वो असेंशियल होगा, पीछे वाला डिजायरेबल होगा, तो 40 50। सेकेंड ऑप्शन है 42 54। थर्ड ऑप्शन है 46 52। फोर्थ ऑप्शन है 48 और 60। ध्यान रहे आईपीएस स्टैंडर्ड 2012 के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है आईपीएस 2012 के अकॉर्डिंग, आईपीएचएस, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, आईपीएचएस स्टैंडर्ड 2012 के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से आपको आंसर देना है, 2 सेकंड आपको देता हूं, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर आपको बता दिया जाएगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है 46 और 52। 46 यहां पर 46 जो स्टाफ है, 46 जो स्टाफ है वो असेंशियल होते हैं, 46 स्टाफ है असेंशियल होते हैं, रिमेनिंग 6 जो स्टाफ होते हैं वो डिजायरेबल होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग टोटल मिलाकर अगर बात करें तो 52 आपका डिजायरेबल हो जाता है। तो यहां पर आपको याद रखना है, यहां पर आपको याद रखना है, अगर सीएससी का मेन पावर आपसे पूछा है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का मेन पावर आपसे पूछा है, तो 46 असेंशियल कितना हो गया, 46 46 होता है, और उसके अलावा अगर बात करें तो 6 यहां पर डिजायरेबल स्टाफ होता है, और डिजायरेबल स्टाफ को मिलाकर 52 का स्टाफ यहां पर हो जाता है, यानी डिजायरेबल को टोटल करके, असेंशियल और डिजायरेबल को टोटल करके अपन देखें तो 52 यहां पर स्टाफ हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर असेंशियल ही पूछा है तो आपको 46 लगाना है, और डिजायरेबल और असेंशियल दोनों का पूछा है तो आपको 52 लगा देना है, ठीक है। तो यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका 46 और 52
46 तो यहाँ पर असेंसर होता है और 6 यहाँ पर डिजायरेबल होता है, दोनों मिलाकर अपन देखें तो 52 यहाँ पर आंसर हो जाता है, 52 यहाँ पर आंसर हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, 46 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सॉरी 46 और 52 बिल्कुल करेक्ट आंसर है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के रिगार्डेड, सीएससी के रिगार्डेड। उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कल तो नहीं दिए थे लेकिन आज जो भी कैंडिडेट अभी जुड़े हुए हैं और जो इस सेशन को बाद में देखते हैं, जो भी सेशन पर विजिट करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। कैसे देना है आपको, कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप करना है, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप करना है क्वेश्चन नंबर 12 और ऑप्शन जो भी है, ए ऑप्शन है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, और उसके बाद उसके पीछे जो मैंने मेंशन किया है वो आप लिख सकते हैं, इसके पीछे ऑप्शन पूरा आप टाइप कर सकते हैं, और नहीं भी करें तो इस तरीके से आप ऑप्शन का आंसर देंगे, इस तरीके से आप आंसर देंगे तो 52 का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन समझिए और आंसर आपको देना है। चलेगा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ट्रू अबाउट द पंचायती राज, जो पंचायती राज सिस्टम है उसके रिगार्डेड सभी ऑप्शन ट्रू है लेकिन मैंने यहाँ एक्सेप्ट करके पूछा है, क्या पूछा है, एक्सेप्ट करके पूछा है, यानी नीचे फॉलोइंग जो ऑप्शन है उसमें से सभी ऑप्शन सही है पंचायती राज के रिगार्डेड लेकिन एक ऑप्शन गलत है, तो वो गलत ऑप्शन आपको ढूंढना है। चलेगा पहला ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा, ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, ग्राम पंचायत कहां पर होती है, विलेज लेवल पर होती है। सेकंड ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल, पंचायती समिति ब्लॉक लेवल पर होती है। सी ऑप्शन है, जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। उसके अलावा जो पंचायती राज है वो थ्री टायर सिस्टम है, वो कितना टायर सिस्टम है, फोर टायर सिस्टम है। तो यहां पर गलत ऑप्शन कौन सा है वो आपको ढूंढना है, गलत ऑप्शन कौन सा है वो आपको ढूंढना है और आंसर मुझे कमेंट करना है। कमेंट कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर डाल के जो भी ऑप्शन आपका सही है, ए बी सी जो भी आपका सही है वो आप आंसर डालेंगे और मैं आपके कमेंट्स का सभी का इंतजार करूंगा और सभी का कमेंट जरूर देखूंगा। फिर कल के सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा किसने जवाब दिया किसने नहीं दिया और कल से कितना इंप्रूवमेंट आपके अंदर देखने को मिला। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा और सेशन के रिगार्डेड जितने भी पॉइंट्स, जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और इस सेशन को मैं यहीं पर एंड करूंगा क्योंकि अब मैं ज्यादा बोल नहीं सकता तो इस सेशन को यहीं पर एंड करूंगा। लेकिन कहना चाहूंगा सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और जो भी कैंडिडेट नए ज्वाइन हो रहे हैं और जो भी कैंडिडेट सेशन में पहली बार आ रहे हैं वो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी को बेनिफिट हो सके। और टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है बीपीसीएचएम के रिगार्डेड, तो अभी आपने अगर अभी तक मिशन एजुकेशन ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो मिशन एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सके। तो आज के सेशन को मैं यहीं पर फिनिश करूंगा, बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर जल्द ही। जब तक के लिए बने रहे जीवन एजुकेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।